नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSE ऑनलाइन क्लासेस में। हम बात करेंगे आज से आपके गणित सब्जेक्ट के बारे में, यानी कक्षा 10 के गणित के विषय में, जिसमें हम पहली प्रश्नावली यानी वैदिक गणित से शुरू करेंगे। तो देखते हैं पहले वैदिक गणित है क्या, इसको वैदिक गणित क्यों कहते हैं। देखो, जो एक जो गणितज्ञ थे अपने वेदों के अंदर, इसका नाम है गणितज्ञ श्री भारती कृष्ण तीर्थ नाम के एक स्वामी थे। उन्होंने क्या किया, 8 वर्ष तक लगातार एक तपस्या के बाद में इन सूत्रों का प्रतिपादन किया जो अपन गणित के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें अपन जोड़ घटाव से लेकर जो भी संक्रिया मैथ के अंदर गणित के अंदर होती है वो सारी की सारी इन्होंने सॉल्व करके बताई। तो देखो, इन्होंने इस तरीके से गणित को बताया, अगर लगातार इसको अपन प्रैक्टिस करते रहे तो क्या हो सकता है, ये हमारे जो गणित को है बहुत ही आसान, अपन इसको मौखिक का मतलब क्या होता है, जैसे अपन सीधा बिना लिखे ही कॉपी में इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये वैदिक गणित को बहुत हार्ड मान के छोड़ देते हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं है। आपको यहाँ पर इस तरीके से समझाया जाएगा कि आपको मान लो गणित 0 लेवल की आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, तो भी आप आसानी से इस प्रश्नावली के पूरे 4 के 4 अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो जो इन गणित को वेदों के अंदर लिखा गया है, तो इसी के नाम से इसको नाम रख दिया गया है वैदिक गणित, ठीक है। तो जो वेद है उसके अंदर भी इसी तरह के जो सूत्र है, इन गणितीय सूत्रों का यूज किया गया है, जिसके लिए इसका नाम क्या रख दिया, वैदिक गणित। हम इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे और आपको इस तरह से समझाएंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं, और आपको लगातार आगे भी जैसे कक्षाओं में जाते हैं तो इस तरह के सूत्र यूज करके आप जोड़ घटाओ गुणा और भाग जो भी करेंगे, या वर्ग निकालना घन निकालना, तो आप आसानी से बिल्कुल कर पाएंगे। कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको आसानी से बिल्कुल याद कर पाएंगे। तो देखो, अपन इसके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले आपको बता दें कि आप लगातार कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठे ताकि आप इसको साथ में हल करेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से सीख पाएंगे, और बिल्कुल अच्छी तरह ध्यान दीजिएगा आप यहां पर जब बोर्ड पे समझाएंगे तो आपको आसानी से समझ में आए। तो शुरू करते हैं सबसे पहली प्रश्नावली अपनी वैदिक गणित के बारे में, जो आपका नया सिलेबस अब जो लग रहा है इस बार से, उसी के हिसाब से अपन बात करेंगे, पुराने वाले सिलेबस की बात नहीं करेंगे। तो देखते हैं वैदिक गणित के बारे में, तो देखते हैं इसके बाद सबसे पहले अपन वैदिक गणित से योग करना, यानी योग संक्रियाएं कह सकते हैं, या वैदिक गणित से अपन जोड़ कैसे करते हैं, योग कैसे करते हैं, उसके बारे में। इसके अंदर अपन 2 सूत्र यूज करेंगे, एक तो सूत्र करेंगे एकाधिक पूर्वेण और दूसरा यूज करेंगे शून्यांक संख्या, इन दोनों को अपन यूज करके इसका हल करेंगे। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना जाता है, 2 संख्या, अगर आपको सीधी जोड़ दी हुई है, ऐसे कोई भी किलोग्राम इसमें नहीं दी हुई, सीधी जोड़ दी हुई है, तो आपको 2 संख्याएं जोड़नी है। तो देखो यहां पर किस तरह से जोड़ेंगे, ध्यान देंगे, देखो यहां पर लिखा हुआ है 34 और यहां लिखा हुआ है 59, तो आप क्या करेंगे, एक इसके अंदर से जोड़ दें, 34 में देखो ये एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60, 59 में एक जोड़ेंगे तो 60 हो गया, 34 में से एक कम कर लिया था, जो इसके अंदर जुड़ा वो इसमें से कम कर लिया, तो ये रह गया 33 और इधर हो गया 60, तो 33 और 60 कितने होते हैं, अपने को पता है 93, 93 हो गए, ठीक है। अब 93 में क्या करेंगे, 32 जोड़ेंगे, तो 93 में 32 जोड़ दो, तो 93 और 32 कितने हो गए, ये देखो ये हो गए 125, तो देखो 125 का आपको क्या करना है, 2 ही अंक चलाने, ये एक है, ये अपन जो वैसे जोड़ करते थे उसको उसके अंदर हासिल बोलते थे कि हासिल मिल गई, ये इधर हासिल चली जाएगी, या फिर इंग्लिश में जिसको कैरी बोलते हैं उसको क्या करेंगे, अब यहां पर तो क्या था, यहां पर संख्या बनते थे, यहां पर क्या हुआ 132 जोड़ा, तो यहां पर इसकी हासिल है वो यहां पर एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा, इसको बोलते हैं एकाधिक, क्या बोलेंगे इसको, एकाधिक, ये एकाधिक लगा दिया। अब अपने पास याद रखना अपने को 25, अब 25 में 47 जोड़ दो, 25 और 47 कितने हो गए, तो 47 में देखो इसमें 3 जोड़ा तो कितना हो गया 50, इसमें से 3 कम कर दिया 50 में से, तो कितना हो जाएगा 72, 72, ये देखो कैसे किया मैंने, ये था 25 और ये था 47, तो 47 में क्या किया, 3 जोड़ा तो 50 हो गया, इसमें से 3 कम कर दो, 3 कम करेंगे तो ये 22 रह जाएगा, इसमें 3 जोड़ दिया तो 50, 50 और 22 कितने होते हैं 72, तो यहां पर लिख देंगे 72, ठीक है। उसके बाद आगे वाला सॉल्व करो, ये 75 और 24, इन दोनों को जोड़ो, 75 और 24 कितने हो गए, देखो 75 है यहां पर, ठीक है, यहां पर 75 में 5 जोड़ दिया तो कितना हो गया 80, ठीक है, इसमें से 5 कम कर दिया तो 24 में से 5 कम कर दिया, देखो आपने क्या किया 75 और यहां है 24, ठीक है, तो आपने क्या किया 75 में 5 जोड़ दिया तो इसमें से 5 कम करना पड़ेगा, तो 75 और 5 कितने हो गए 80, ठीक है, और इसमें से गया तो 19, अब देखो इसको जोड़ना आसान हो गया, ये 9 और ये 9 कितना हो गया 99, तो ये 99 हो गया। अब 99 में ये देखो जोड़ेंगे तो 99 में 19 जोड़ो पहले
और इसके साथ ये एक अधिक और है, 19 और 1 कितने हो गए, ये इसके ऊपर हासिल जोड़नी है, ये जो है ना ये संख्या इसके साथ जोड़नी है, 19 और 1 कितने हो गए 20, यानी अपन 99 में क्या करते हैं 20 जोड़ लेते हैं, तो 99 और 20 कितने हो गए 109, 119, 99 और 20 कितने हो गए 119, तो 119 अपन लगा नहीं सकते, तो अपन क्या करेंगे यहां पर एक जीरो लगा के इसके ऊपर एक अधिक लगा देंगे, इसके ऊपर क्या लगा देंगे जीरो पर एक का एक, और अपने को याद रखना है 19, 19 में 65 जोड़ेंगे, तो यहां 65 में क्या करो 5 जोड़ दो, या 65 यहां 1 जोड़ दो और यहां 1 कम कर दो, तो ये कितना हो गया 20 और ये हो गया 64, 20 में 64 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं 84, तो यहां पर लिख देंगे 84, और ये 1 का है यहां 1 का 1 आ जाएगा, तो इस तरह से अपन इस सवाल को कर सकते हैं। ये देखो आपको समझाने के लिए क्या है, पेपर में आपको सिर्फ ये इतना ही करना है, ये पूरा नहीं करना है। अब देखो अपन दूसरा सवाल करते हैं इसका, तो बिल्कुल इसके जैसा ही है दूसरा सवाल, आपको क्या करना है आधार बढ़ाते जाना है, आधार अपने इसके अंदर जो लेते हैं वो होता है देखो आधार क्या होता है 1, 10, 100, 1000, 10000 इस तरह से आधार होते हैं, तो अपने संख्या को आधार बनाते जो आधार बनाते क्या होगा आगे वाली संख्या में उसको जोड़ देंगे जब भी आधार हो जाए। अब देखो 98 और 89 इन दोनों को जोड़ेंगे, तो अपन क्या करते हैं 98 इसमें से 2 कम कर देते हैं तो ये कितना रह जाएगा 87, 89 में से 2 कम कर दिया तो ये 87 और 98 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 100। देखो यहां पर जोड़ के देख लेते हैं 98 और 87 इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ये 85 तो 185 इसको जोड़ेंगे तो 185। अब अपने को 2 अंक लेने हैं, ये जो अंक है आगे वाले पे हासिल लगा दो, यहां पर ये एकाधिक लगा दिया, हासिल बोलते हैं इसको एकाधिक बोलते हैं, ठीक है ये लगा दिया। अब क्या करेंगे 85 में 15 जोड़ो तो 85 में 15 जोड़ते हैं तो कितना होता है ये 1 तो हासिल होगी इसके ऊपर, ठीक है यहां पर एकाधिक लगा दिया, 85 में 15 जोड़ते हैं तो पूरे पूरे 100, ठीक है ये 100 हो गया, तो 100 होते ही यहां पर क्या होगा 1 हासिल इसके ऊपर, तो 1 और हासिल इसके ऊपर आ गया, एकाधिक 1 और आ गया। अब क्या करेंगे यहां 0 0 बचे, 0 0 में 37 जोड़ेंगे तो 37 ही होगा, और 37 में फिर लास्ट में बता हुआ 76 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे ये 76, तो 37 में 76 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 115, तो 115 की हासिल फिर से अपन इसके ऊपर लगा देंगे, जस्ट 2 संख्या जोड़ रहे हैं उससे आगे वाली पे हासिल लगानी है, जब 100 से ऊपर बन जाता है इस संख्या को मान लो जोड़ने पर 100 से ऊपर बना है, देखो पहले 37 तक तो ये 37 था, यहां 76 जोड़ा तो 100 से ऊपर बन गया, 100 से ऊपर बनती आगे वाली संख्या पे अपन हासिल लगा देंगे, और यहां पर बचा 15 तो यहां 15 का 15 लिख देंगे। अब इनको ऐसे ही इनको जोड़ना है, तो देखो 49 में ये 1 हासिल है, ये जोड़ लेते 50 और 67 कितने हो गए, देखो 50 107 117, ठीक है जोड़ के देख लो बने, ये 50 में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 117, देखो 49 और ये 68 हो गया, 67 ये और एक ये हासिल इसके अंदर तो ये 68 हो गया, इसमें से एक जोड़ दिया यहां पर 50 तो इसमें से एक कम कर दो तो ये कितना हो गया 50, 50 में क्या किया आपने 67 जोड़ा तो ये कितना हो गया 117, तो यहां पर जोड़ने पर 117 हो गया, तो इधर एक जीरो लगा देंगे इसके ऊपर एक अधिक लगा देंगे। अब अपने पास बचा है 17, 17 में जोड़ेंगे 58, 58 में क्या करो यहां प्लस 2 कर लो तो ये 60 हो जाएगा, यहां माइनस 2 कर दिया तो ये 15, ये हो गया 60, 60 और 15 कितने हो गए 75, तो ये 75 हो गया, इसको जोड़ने पर 75 में 48 जोड़ दो ये 48, तो यहां पर 5 जोड़ दिया, यहां पर 5 कम कर दो ये हो गया 80, ये 5 कम कर दिया तो ये बढ़ गया 43, 80 और 43 कितने होते हैं 123, तो 123 इसको जोड़ने पर 123 हो रहा है, तो यहां पर एक जीरो लगा के यहां से लगा देंगे, यहां ये हो गया। अब इसके बाद क्या करो, अपने पास बचा है 23 में 90, ये कितना है 90 और एक इसके ऊपर 90, 23 में 90 जोड़ दो, 23 में 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113, तो 113 का फिर से यहां पर एक जीरो लगा के क्योंकि 100 से ऊपर हो गया था यहां से लगा देंगे, और यहां लिख देंगे अपन 13, 2 ही अंक लिख रहे हैं सिर्फ, ये 13 हो गया। अब क्या करो इसके ऊपर हासिल जोड़ लो 1, 2 और 3, तो यहां लगा दिया 3, तो ये आप इस तरह से कोई भी सवाल आ जाए कर सकते हो, आप चाहे तो एक एक अंक जोड़ के भी कर सकते हैं, जैसे 8 और 9 कितने हो गए 17, इसके ऊपर हासिल लगा दो, एक एक जो अंक जोड़ेंगे तो 10 से बड़ी संख्या होती है, 10 या 10 से बड़ी होती है उसके ऊपर आगे वाली पर हासिल लगाना है, तो इस तरह से आपको कोई भी योग संक्रिया आ जाए कोई भी जोड़ आ जाए तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसके बाद देखो अपन सीखेंगे वैदिक गणित से व्यवकलन करना, व्यवकलन का मतलब क्या होता है घटाव करना, यानी अपन सीखेंगे घटाव करने से, व्यवकलन का मतलब होता है घटाव करना सब्ट्रैक्ट करना, तो इसको सीखेंगे अपन, देखो ये 2 सवाल है इसको करेंगे, तो पहले अपन इससे पहले जान लेते हैं परम मित्र के बारे में, देखो ये परम मित्र क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं,
परम मित्र का मतलब होता है, जैसे हिंदी में बात करें परम का मतलब घनिष्ठ मित्र, यानी आप बात करें कि जो परम मित्र होता है जीरो का, ठीक है, यानी ऐसी दो संख्या जोड़ने पर अपना बेस क्या बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। तो जीरो में कितना जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, जीरो और 10 जोड़ने पर कितना होता है 10, यानी ये परम मित्र आपस में, जीरो और 10 क्या है परम मित्र है। वैसे ही बात करें आप एक, एक में कितना जोड़ेंगे तो यानी एक और नौ क्या है परम मित्र है। आपको बात करें दो और आठ क्या है परम मित्र है, तीन और सात क्या है परम मित्र, चार और छह क्या है परम मित्र, पांच और पांच क्या है परम मित्र। आपको पूछे जीरो का परम मित्र 10, 10 का परम मित्र 0, 1 का परम मित्र 9, 9 का परम मित्र 1, 2 का परम मित्र 8 और 8 का परम मित्र 2। इस तरह से एक दूसरे के परम मित्र हैं। देखो परम मित्र अपन सवाल में कैसे यूज करेंगे अभी आप देखते हैं। तो ये घटा हुआ है आपको दिया हुआ, इसको आपको हल करना है। ध्यान देंगे तो बिल्कुल ध्यान देंगे तो आपको आसानी से समझ पाएगा, ये आपको मैं कह रहा हूं गारंटी से आपको सिखा के ही छोड़ेंगे। तो देखो आप इधर ध्यान दो, तो यहां देखो जीरो में से तीन घटा सकते हैं क्या, नहीं घटता है, देखो नहीं घटता है, जीरो में से तीन नहीं घटा सकते। तो इस तीन का क्या कहना है अपने को, परम मित्र लेना है। ये नीचे वाली संख्या का हमेशा परम मित्र लेंगे, तो इस तीन का परम मित्र क्या है, तीन का परम मित्र है हमारे पास सात, क्या है इसका परम मित्र, तीन का परम मित्र, तीन का परम मित्र, ये आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रहे हैं। अब इस जीरो सात के अंदर क्या करना है, इसका परम मित्र क्या है, मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, इसको ऊपर वाली संख्या के साथ जोड़ना है। तो सात में जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा सात, तो अपन यहां लिख देंगे सात। जब भी यहां परम मित्र लेंगे तो यहां एकाधिक लगा देंगे, यानी एक हासिल लगा देंगे। अब देखो ये छह नहीं है, छह और एक इसके ऊपर है सात। अब फिर से देखो जीरो में से सात घटता है क्या, नहीं घटता, जीरो में से सात नहीं घटता। तो फिर क्या करना है अपने को, सात का परम मित्र लेना है, सात का परम मित्र, सात का परम मित्र क्या होता है, देखो सात का परम मित्र है तीन, तो यहां तीन और तीन में ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे तो यानी तीन प्लस जीरो, तीन में ऊपर वाली संख्या जोड़नी और है तो तीन में ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे तो तीन ही रहेगा, तो यहां लिख देंगे तीन। यहां भी ऊपर देखो परम मित्र लिया था तो यहां भी एक हासिल लगा देंगे, एकाधिक लगा देंगे, जहां भी अपन परम मित्र लेंगे उससे आगे वाली संख्या में एक हासिल लगाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं क्या, ये कितना हो गया दो और एक इसके ऊपर हासिल तीन है, ये ध्यान रखना कितना है तीन। तो आठ में से तीन घटता है क्या, बिल्कुल घटता है, अपन आठ में से तीन घटा सकते हैं, कितना बचेगा पांच, तो यहां लिख दिया पांच, ये अपनी घटा हो गई। देखो बिल्कुल आसान तरीके से आपको नीचे वाली संख्या अगर नहीं घट रही तो उसका परम मित्र लेना है। इसी तरह इसको करेंगे तो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इसको करके देखते हैं, तो सबसे पहला देखते हैं पांच में से छह घटते हैं क्या, नहीं घटते। आपको देखो अगर जोड़ में ऐसा सवाल आ जाए योग के अंदर, तो आपको एक एक संख्या जोड़ के रखना है, ध्यान रखना। जब भी आपको योग के अंदर दोबारा से बता देते हैं, योग के अंदर जैसे समय वाला कोई सवाल आ जाए, घंटे और मिनट का, रुपए वाला कोई रुपए और पैसे का आ जाए, ठीक है, दूरी का आ जाए, किलोमीटर और मीटर का, तो आपको एक एक लाइन ही जोड़नी है, दो दो नहीं जोड़नी है, सीधा जोड़ आ जाए तो अपने को दो दो जोड़नी। अब घटाव का देखते हैं, क्या पांच में से छह घटते हैं क्या, बिल्कुल नहीं घटते। तो छह का परम मित्र कितना होता है, अपने को पता है छह का परम मित्र होता है ये, छह का परम मित्र चार, छह का परम मित्र कितना है चार, यहां इसका परम मित्र चार है। अब ध्यान से देखोगे चार में ऊपर वाली संख्या जोड़नी और है, अपन क्या करेंगे छह का परम मित्र है, परम मित्र वो है चार। अब क्या करेंगे चार में ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे पांच, तो चार और पांच जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा नौ, तो यहां क्या लिख देंगे नौ। और जैसे ही यहां पर परम मित्र लेते हैं तो ऊपर वाली संख्या पे आगे वाले पे हासिल लगा देते हैं, तो यहां पर देखो जैसे ही परम मित्र लिया था तो यहां पर इसके ऊपर हासिल लगा देंगे, तो ये कितना हो गया चार और एक पांच। अब देखो तीन में से पांच घटता है क्या, नहीं घटता, तो इस पांच का परम मित्र, पांच का परम मित्र क्या होता है पांच ही होता है, तो पांच में ऊपर वाली संख्या जोड़ देंगे, पांच में ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे, पांच और तीन कितने हो गए आठ। इधर ध्यान देंगे, बिल्कुल इधर ही ध्यान देना आपको, तो क्या आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो यहां पर भी परम मित्र लिया था तो इसके ऊपर हासिल लगा, तो ये पांच और एक छह, क्या सात में से छह घटता है क्या, बिल्कुल घटता है, सात में से अपन छह घटा सकते हैं, सात बड़ी संख्या छह छोटी संख्या, तो कितना जाएगा एक। अब यहां पर परम मित्र नहीं लिया तो यहां पर इसके ऊपर एक अधिक नहीं लगाएंगे, यानी हासिल नहीं लगाएंगे। अब देखो छह में से सात घटता है क्या, नहीं घटता, छह में से सात नहीं घटता, तो सात का परम मित्र लेना पड़ेगा, और यहां जैसे ही परम मित्र लेंगे तो आगे वाली संख्या पे लगाना है आपको एक अधिक, जिस संख्या का परम मित्र लेते हैं उससे आगे वाली पे, इधर वाली पे आपको परम मित्र का एक अधिक लगाना है। अब देखो ये सात है, सात का परम मित्र कितना है, सात का परम मित्र है तीन। अब तीन में ऊपर वाली संख्या जोड़ो, कितना हो जाएगा तीन और छह नौ। अब यहां पर यह कितना है चार, ऊपर भी कितना है चार, चार में से चार गया तो जीरो, चार में से चार घटता है तो जीरो, यहां पर परम मित्र नहीं लिया है तो इसके ऊपर एक अधिक नहीं लगाएंगे।
अब देखो सात में से आठ घटता है क्या? सात छोटी संख्या आठ बड़ी है तो नहीं घटता। तो आठ का परिमित्र लेंगे, आठ का परिमित्र क्या होता है? दो, और दो का परिमित्र आठ, तो आठ का परिमित्र दो, तो यहां हो गया दो, आठ की जगह दो, दो में ऊपर वाली संख्या जोड़ो कितना हो जाएगा, दो और सात नौ, कितना लिख देंगे नौ। ये देखो आठ का परिमित्र होता है दो, दो में ऊपर वाली संख्या ये जोड़नी होती है, इससे ऊपर लिखी सात, तो कितना हो गया नौ। अब इसके बाद यहां परिमित्र लिया है तो यहां एक अधिक लगाना पड़ेगा, एक हासिल लगानी पड़ेगी, तो ये कितना हो गया दो और एक तीन, ये भी कितना है तीन, तीन में से तीन घटता है तो कितना आ गया जीरो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, घटाओं को भी कर सकते हैं, कोई भी घटाव आ जाए परिमित्र से करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगी। अब आप खुद करके देखेंगे तो आप इसके कोई भी घटाव आ जाए आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये था जोड़ और घटाव करना। तो देखो इसके बाद अपन करते हैं वो है गुणन संक्रिया, यानी गुणा करना सीखेंगे वैदिक विधि से। तो देखो ये बहुत ही काम की चीज है, अगर आप ये दसवीं में तो काम आएगी आगे आपकी परीक्षा के लिए, इसके बाद में भी आपको बहुत सारी संख्याएं, मान लो नॉर्मल लाइफ में भी आपको गुणा करना है तो भी आप इससे करेंगे तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। तो देखो अपन कैसे सीखेंगे, तो सबसे पहला है वो देखेंगे अपन उदर तिर्यक व्यायाम। पहला है उदर सूत्र उदर्व तिर्यक व्यायाम, उदर्व तिर्यक व्यायाम, और दूसरा है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। ये देखो संस्कृत के नाम है, दो पहले वैदिक जो वेद है वो अपने संस्कृत में ही लिखे हुए हैं, तो उन्हें उस समय क्या चलती थी, सिर्फ संस्कृत भाषा ही चलती थी, तो सारी की सारी विधि का नाम क्या दिया है, संस्कृत भाषा में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो थोड़े अपने नाम अजीब लगेंगे लेकिन आपको इसको बार बार आप इसका रिवाइज करेंगे तो आप आसानी से बोल पाएंगे। अब देखो अपन सीखते हैं इससे दो संख्याओं की गुणा करना। देखो कैसे, मान लो आपको दिया हुआ है एक ए और एक बी दिया हुआ है, एक दिया हुआ है सी और एक दिया हुआ है डी, आपको क्या करना है इसकी गुणा करनी है, कौन सी विधि से, उदर्व तिर्यक व्यायाम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए को बी, बी को डी से गुणा करना है, बी गुणा डी यहाँ पे करना है, और फिर ऐसे यहाँ ए बी है पूरा हो गया, यहाँ पे संख्या स्टेप पूरा। दूसरे में क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, यानी ए गुणा डी करना है प्लस बी गुणा सी, ये बी को सी से गुणा करना है। ठीक है, और लास्ट में क्या करना है, इसको गुणा करना है इससे, यानी ए गुणा सी। देखो देखो मान लो आपको गुणा करना है 25 को गुणा करना है 32 से, ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, आपको दो दो पहले पहले गुणा करेंगे फिर तीन की फिर चार की तो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो यहां इसको गुणा किया तो सबसे पहले आपको इससे गुणा करना है, तो पांच गुणा दो लिखना है आपको, पांच को दो से गुणा करना। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो इसको इससे गुणा करना है, यानी दो गुणा दो प्लस तीन को इससे गुणा करना है, तीन गुणा पांच। फिर उसके बाद में लास्ट में क्या करना है, इसको इससे गुणा, दो गुणा तीन। अब इसको हल करो, ये कितना आ जाएगा दस। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, दो को दो से गुणा किया चार, तीन को पांच से गुणा किया पंद्रह, और ये कितना आ जाएगा छह। थोड़ा और हल करते हैं तो देखो ये हो जाएगा दस, ये इसे कटेंगे तो कितना हो जाएगा पंद्रह और चार कितने हो गए उन्नीस, और ये हो गया छह। अब देखो अपने को दो दो संख्या नहीं लेनी है, एक संख्या, ये जीरो का तो लास्ट वाला जीरो ऐसे कैसे, इस एक को क्या करेंगे इसके ऊपर हासिल भेज देंगे, तो 19 और एक कितने हो गए 20, कितने हो गए 20, तो 20 का फिर से जीरो आगे वाले पैसे चली जाएगी दो, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, तो इसको कितना लिख सकते हैं 800। तो दो संख्याओं की गुणा आ जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखते हैं तीन संख्याओं की गुणा आ जाए, मान लो इसी तरह करेंगे, देखो एक दो तीन को मान लो गुणा करनी है एक चार एक से, बिल्कुल आसान है, देखो आप इसको आसानी से कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसको इससे गुणा करना है, तो एक को तीन से गुणा करना है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है और इसको इससे, तो देखो चार गुणा दो सॉरी तीन प्लस ये दो गुणा एक। उसके बाद में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको इससे गुणा करना है, इसको इससे और इसको इसको, तीन गुणा करनी है आपकी, तो देखो एक गुणा एक प्लस ये एक को एक से गुणा किया, एक को तीन से गुणा करो एक गुणा तीन प्लस ये चार को दो से, दो गुणा चार। उसके बाद में क्या करेंगे, अब देखो इधर वाले दो की गुणा करनी है, इसको इससे और इसको इससे गुणा, तो एक गुणा चार प्लस ये दो गुणा एक गुणा दो, एक गुणा दो, और सबसे लास्ट में इसको इससे गुणा करना, यानी एक गुणा एक। अब इसको हल करते हैं, तो एक को तीन से गुणा करेंगे तो तीन, अब देखो यहां एक को दो से किया दो, तीन को चार से गुणा किया बारह, फिर देखो आगे यहां एक को एक से किया एक प्लस एक को तीन से किया तीन, चार को दो से किया आठ, एक को चार से किया तो चार प्लस एक को दो से किया दो, यहां एक को एक से गुणा किया तो एक। अब आगे देखो इसको हल करते हैं, ये तीन का तीन बारह और दो कितने होते हैं
14, उसके बाद देखो ये हो गया 8 और 3 11, 11 और 8 12, फिर उसके बाद 4 और 2 जोड़ने पर 6 और उसके बाद 1। अब देखो इसका उत्तर लिखते हैं, ये एक अंक है तो एक अंक है तो उसके अंदर वो कब लिख दो। अब यहाँ पे 4 का तो 4 आ जाएगा, इस 1 को इसके ऊपर हासिल भेज देंगे। 12 और 1 कितना हो गया 13, 13 का यहाँ 3 लिख दिया, फिर से इसके ऊपर ये 1 हासिल इसके ऊपर आ गई। 6 और 1 कितना हो गया 7 और ये 1 का 1। अगर आप ये गुणा करते हैं तो इसका उत्तर क्या आएगा, ये। तो 3 अंकों की गुणा आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर एक छोटी सी और महत्वपूर्ण चीज देखते हैं, बहुत ध्यान से देखना। देखो इस सवाल को 2 अंकों की संख्या थी तो कितने समूह बने, 1 2 3, ये समूह है 3। 3 अंकों की संख्या थी यानी 3 अंकों की संख्या होती है तो कितने समूह बनते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो ये अपन समूह कैसे निकाल सकते हैं, समूह की संख्या, समूह संख्या कैसे निकालते हैं। देखो तो इसको निकालने का तरीका है स्तंभ संख्या इंटू 2 माइनस 1। देखो इससे करके देखते हैं अपन क्या इससे हो रहा है कि ये सवाल सही तरीके से। देखो कैसे, अगर मान लो यहां पर अपने को इसका निकालना है, ये 3 अंक वाला, तो देखो इसका निकालते हैं तो यहां कितने स्तंभ है, स्तंभ का मतलब देखो 1 2 3, 3 स्तंभ है, कितने हैं 3, तो यहां लिखते हैं 3 गुणा 2। आपको क्या करना है, जो भी स्तंभ संख्या उसको 2 से गुणा करनी है और माइनस 1 कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 6 माइनस 1 कितना आएगा 5, और ये हमेशा और हमेशा विषम संख्या ही आएगी। आपको इसको ध्यान रखना, ये क्या है, एक स्तंभ संख्या निकालने का तरीका, आपको एक नंबर में पूछा जा सकता है तो आप वो भी अच्छी तरह याद रखें। तो अपन पहला तरीका कर चुके हैं उदरतिरेक व्यायाम, ये इससे गुणा करना अपन कर चुके हैं। अब देखते हैं दूसरा सूत्र, एकाधिकेन पूर्वेण से गुणा करना। इसके बाद दूसरी जो गुणा की विधि है वो देखते हैं, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण में क्या करना होता है, देखो इसमें लगता कब है, जब जो पीछे के अंक है वो पीछे के अंक जोड़ने पर क्या हो, या तो 1 हो 10 हो 100 हो 1000 हो, यानी कोई आधार बनना चाहिए। अगर पीछे के अंक ये जोड़ने पर हो रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर एकाधिकेन पूर्वेण लगा सकते हैं, ठीक है। और साथ में ध्यान रखना है कि उनके आगे के अंक है वो सेम होने चाहिए। जैसे इसके अंदर देखते हैं 8 और 2 जोड़ने पर 10 हो रहे हैं, लेकिन उसके आगे साथ में 1 जैसा है क्या, 58 और 51 नहीं है। अगर आप देखो इसको जोड़ते हैं 12 और 88 को, 12 और 88 जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं, ठीक है। 12 और 88 जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, आप जोड़ के देख सकते हो, 12 और 88 कितने हो रहे हैं, 100। तो इसमें अपन एकाधिकेन पूर्वेण लगा सकते हैं, बिल्कुल आसान है। देखो आपको क्या करना है, ये 5 है जो एक जैसा अंक है दोनों के अंदर, ठीक है। 5 को किससे गुणा करनी है, 6 से, एक अधिक से गुणा करनी है। एकाधिकेन का मतलब क्या होता है, 5 को गुणा करनी है 6 से। फिर अगले समूह के अंदर क्या करेंगे, इस 88 को गुणा कर देंगे किससे, 12 से। 88 को गुणा करेंगे 12 से, तो देखो 5 को 6 से गुणा करने पर कितना आता है 30, और 88 को 12 से अपन गुणा करके देख लेते हैं यहां पे कितना आएगा। सीधी नॉर्मल गुणा करके देख लो, 12 8 कितना होता है 96 यानी 96, 12 8 96, 96 और 9 कितने हो गए, 96 और 9 हो गए 105, यानी कितना हो गया 1056। तो इसको गुणा करने पर कितना आ गया, देखो 30 10 56। सीधा दो संख्याओं को गुणा करो, इधर 2 को गुणा करो, वाला आंसर तैयार है। देखो 30 ये कितना हो गया, सीधा आंसर आ गया 3,01,056। अब देखो इसी तरह अपन इसके आगे वाला सवाल देखते हैं, ये वाला। तो इसके अंदर देखो क्या करना है, अब देखो इसके अंदर पीछे वाला 42 और 58 जोड़ने पर 100 हो रहे हैं, ठीक है। आगे संख्या देखो एक जैसी है या नहीं है, इधर भी 8 है इधर भी 8 है, तो 8 को किससे गुणा करेंगे, 9 से, अगली संख्या से गुणा करते हैं, एक अधिक से। सूत्र का नाम ही एकाधिकेन, मतलब एक अधिक से गुणा करनी है। और इधर कितना करेंगे, 42 को गुणा कर देंगे 58 से। तो ये देखो 8 को 9 से, 8 में कितना होता है 72, और इसको अपन गुणा कर लेते हैं, 42 को 58 से गुणा कर लेते हैं नॉर्मल, तो कितना आ गया, 42 को गुणा करना है 58 से, तो आपके पास आ जाएगा 8 × 16, 8 × 32 33, 8 × 40, 8 × 10 20 21, ये आ गया 24 36। सीधा उत्तर आ गया 7,22,436। देखो ये पूरे के पूरे, ये पूरे के पूरे सीधा उत्तर आ गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आसानी से इस तरीके से कर सकते हो। तो आपका कोई भी सवाल आ जाए आप इस तरीके से कर सकते हो एकाधिकेन पूर्वेण से, बिल्कुल आसान विधि है, आपको देखते ही समझ में आ गई होगी। तो आपको पेपर के अंदर ये कैसा भी सवाल आ जाए आप इसको आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद गुणा का एक और तरीका है आपकी बुक के अंदर, अब जो नए वाले सिलेबस में, वो है निकिलम विधि से।
निखिलम विधि से अपन गुणा कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है इसके अंदर, सबसे पहले आपको इन संख्याओं का निकालना होता है आधार, ये चीजें निकालनी होती है। तो आधार का मतलब है ये किस संख्याओं के पास में है। तो देखो आधार क्या ले सकते हैं आप, या तो एक होना चाहिए या दस होना चाहिए या सौ हजार, इस तरह से संख्या ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है उपाधार, उपाधार मतलब ये किसके पास में है। अब देखो ऐसे ले सकते हैं उपाधार में 20, 30, 300, 400, 500, तो ये 500 के पास में कितना है, 500 के पास में। एक आता है उपाधार अंक, उपाधार अंक क्या होता है, उपाधार का पहला अंक होता है ये होता है उपाधार अंक, ठीक है। ये अपनी संख्या है यहां पर, ठीक है। इधर लिख लेते हैं विचलन, विचलन निकालने का क्या तरीका होता है, आपने जो आधार 500 लिया उपाधार, ठीक है, उससे ये संख्या क्या है, यहां पर 88 ज्यादा है ये और ये 12 ज्यादा है, तो प्लस लगाएंगे, जितनी ज्यादा है उसके आगे प्लस लगाएंगे, अगर कम है तो माइनस लगा देंगे। अब देखो करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आप इनकी आपस में गुणा करेंगे, यानी 12 गुणा 88 करेंगे, पहला समूह ये, यानी इनको आपस में गुणा करना, इन दोनों को आपस में गुणा करना। दूसरा क्या है, इसके अंदर 588 के अंदर या तो ये संख्या जोड़ दो या 512 के अंदर ये जोड़ दो, दोनों जोड़ने पर बराबर बनेगा। तो 588 के अंदर मैंने 12 जोड़ दी, 588 गुणा 12, और इसको गुणा करना है आपके उपाधार अंक से, किससे, उपाधार अंक, यहां पर कितना है उपाधार अंक 5, तो इसको आप गुणा करेंगे। तो 1012 को 88 से गुणा कर लेते हैं, तो अभी जैसे किया था वापस से गुणा कर लेते हैं, 88 को 12 से तो कितना आ जाएगा, 12 8 6 में ये हो गया 12 8 6 में 105, यानी 1056, ये 588 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 600 और गुणा हो गया 5। देखो इसको आगे थोड़ा सा हल करते हैं यहां पर, तो ये जो लाइन है 5 को 600 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 3000, ठीक है, और इधर जो आपका बन रहा है वो है 1056। देखो इधर से लिखना स्टार्ट करते हैं, इधर से उत्तर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो निखिलम विधि होती है उसके अंदर विशेष ध्यान रखना है, जितने आधार के अंदर जीरो होते हैं, आधार के अंदर जितने जीरो है उतने इधर से अंक लेने, तो यहां 5 और 6 तो लिख देंगे, ये 10 है वो आगे वाली क्लास में चली जाएगी, तो 3000 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3010। तो ये आपका निखिलम विधि से सवाल हल हो गया। आपको इसको अच्छी तरह करें, निखिलम विधि तीनों में से आपको कोई भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। आज अपने बात की थी वैदिक विधि से योग करना, वैदिक विधि से व्यवकलन करना और वैदिक विधि से गुणा करना, ये अपने इस क्लास में बात कर चुके हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको कोई सलाह या सुझाव है तो भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।